हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवरीडे। मैं विजय जायसवाल। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की। हम 10 क्वेश्चन बताएंगे आपको, इनका आंसर भी देंगे। हम आपको 5 सेकंड का वक्त देंगे। 5 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप पास हैं, नहीं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए ये एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपको 5 सेकंड वक्त दिया गया था, आप नहीं दे पाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 18, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। हम आपको 5 सेकंड वक्त दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या है, 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आपको 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है तो आप पास हो जाएंगे। कौन सा देश इंग्लैंड का कभी गुलाम नहीं हुआ। तो दोस्तों चीन कभी गुलाम नहीं हुआ है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बैटन कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी सही है। आपको 5 से 7 क्वेश्चन को आंसर सही दे रहे हैं तो आप जरूर रीड कर रहे हैं, वरना आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। भारतीय महिला दिवस किसकी याद में बनाया जाता है, यहाँ पे मनाया जाता होगा, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा। आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। 5 सेकंड का वक्त पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है, सरोजनी नायडू मनाया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन 5 से 7 सही हो रहे हैं तो आप रीडिंग कर रहे हैं, वरना आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। रेटिना, कार्निया, लेंस, पूरी आँख। आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी कॉर्निया सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जॉन्डिस, हीमोफीलिया, शिस्कर्वी, एनीमिया। 5 सेकंड का वक्त पूरा हुआ तो ऑप्शन नंबर डी एनीमिया सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाए या बनाई जाती है। नहीं दोस्तों मनाई जाती है, यहाँ पे हम प्रिंट डिस्टर्ब हो गया टाइपिंग पे। 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं आपको। चलिए 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है। अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और प्लैनीमीटर। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 समय पूरा हुआ तो अल्टीमीटर सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है आपको। तो चलिए आंसर क्या ओपन हुआ, उत्तर प्रदेश में भैया सबसे अधिक हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन क्लिक करें, जो भी वीडियो हम अपडेट करें आप तक जरूर पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।